राज्य के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम चंदनपुर था, एक नए मित्र विक्रम और सूरज रहते थे। ये गांव अपनी शांति और सुकून के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन एक घटना ने इस शांति को चुनौती दी। विक्रम और सूरज बड़े दिलचस्प और बहादुर दोस्त थे और उन्हें रोज नए और रोमांचक कार्यों की तलाश रहती थी। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसका नाम वेटनी महल था और वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल रात को अपनी सैर से बाहर निकलती है और गांव के पास कुछ खराबी करती है। विक्रम और सूरज ने इसे एक रोमांचक एडवेंचर की तरह देखा और तय किया कि वे वेटनी महल का खुद इंस्पेक्शन करेंगे। दोस्तों ने गांव के लोगों से कुछ विवरण जुट और अगले दिन वे वेटनी महल की ओर अग्रसर हुए। वेटनी महल काफी पुराना और डरावना था और ये तड़कते हुए खड़ा था, जैसे कि वो किसी के आगमन का स्वागत कर रहा हो। विक्रम और सूरज ने ढेर सारे सवालों के बावजूद हवेली के द्वार को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वे द्वार को धक्का देने का फैसला किया और उन्होंने दरवाजा खोला। वेटनी महल के अंदर का मंजर विशाल और डरावना था। छायादार दीवारों पर पुरानी चित्रकलाओं के खंडहर थे और कुछ बड़े ही विचित्र प्रतीत हुए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस घर की खोज करने लगे। विक्रम और सूरज ने महसूस किया कि इस घर में कुछ अजीब है और उन्हें डर और रोमांच का आभास हो रहा था। जब वे एक कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक पुराना आईना देखा और जब वे उसमें अपनी छवि देखने के लिए उजले की तरह बत्ती की ओर बढ़े, तो कुछ अजीब हो गया। आईने में उनकी छवि दिखाई देने के बजाय वहां एक सुंदर और भयंकर चुड़ैल की छवि थी। वे हैरान हो गए और कहानी के तुरंत बाद की घटना के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो गए। आईने के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वेटनी महल की चुड़ैल के बारे में कई किस्से लिखे थे। वह किताब में लिखे एक किस्से ने उन्हें विचलित किया। किस्से के अनुसार लगभग 100 साल पहले वेटनी महल में एक सुंदर लड़की नामक वेटनी रहती थी जो सबकी धड़कने बढ़ा देती थी। वह चुड़ैल नहीं थी बल्कि वह एक अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों की मालिक थी। विक्रम और सूरज ने किताब के और पन्ने पर पलट किया और वे आगे के किस्से को पढ़ने लगे। किस्से के अनुसार एक दिन वेटनी ने चाहा कि उसकी दिल की इच्छा पूरी हो। उसने एक परम प्रेमी को पाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन जब उसका प्रेमी उसकी इच्छा पर सहमत नहीं हुआ तो वह उसे अपनी शक्तियों से बचपने की सजा दी। विक्रम और सूरज के लिए ये कहानी एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें आवाजों पर और उनकी पहचानी हुई छवियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें विचारशीलता और साक्षरता का महत्व समझना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने सोचने की क्षमता का उपयोग करना चाहिए और विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम किसी भी समस्या को समझ सकें और समाधान निकाल सकें।